अरे भाई गौरव आसन आएंगे हम वापस ले लेंगे। गलती का पछतावा हो गया और उनको ये पता चल गया कि कौन उनका। अभी आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे कागज दे रहे बाबा साइन कर दो, मैं साइन कर दिया। अभी नहीं पता आप कहाँ इसको लेके जा रहे हो। हमने थोड़ी है, हम नहीं चाहते खोलें इसको। पूरा खर्चा था 1,00,000 रुपये का, इनकम 30-35 क्या था 40। माफ़ी उन्होंने मुझसे मांग ली है, उनको रियलाइजेशन हो गया इस चीज़ का कि गलती की थी उन्होंने। हमने खोला था दिसंबर में, हमने खोला था दिसंबर के अंदर और बेटा हमने 15 फरवरी को बंद कर दिया। बेटा वो जो ये था कि बेटा खर्चा ज़्यादा था, इनकम कम थी। बेटा खर्चा था 1,00,000 रुपये का, इनकम थी 30-35 क्या था 40 इतना आता था। अरे सब तो मालूम है आपको, फिर क्या बताऊँगा आपको मैं। बेटा साथ तो सभी दिए थे भाई, वो भी थे सारे, क्यों उनको पैसे मिल रहा था, खर्च कर रहे थे, खोले थे। अब बेटा हमने छोड़ी है, हम नहीं चाहते खोलें इसको। बेटा हमने नहीं करा था धोखाधड़ी का केस, ये तो गलती से लोग करवा दिए थे हमारे से हैं। मगर बेटा गौरव अच्छा लड़का है, कोई चोर नहीं है, कुछ और नहीं है, अच्छा लड़का है। अब यहाँ से मैं कह रहा हूँ कि आप मुझे कागज दे रहे बाबा साइन कर दो, मैं साइन कर दिया। अभी नहीं पता आप कहाँ इसको लेके जा रहे हो। अरे भाई गौरव आसन आएंगे हम वापस ले लेंगे। और बोलो बेटा सुनो, हम तो भी यहीं पर थे और आज भी वहीं पर हैं। नहीं नहीं यार, से फर्ज पहुँचाने वाली बात छोड़ दो, हम आज भी वहीं थे और अभी भी वहीं पर हैं। देखिए ये तो सबको पता है कि उस मामले में क्या हुआ और कैसे उन्होंने आरोप लगाए गलत मेरे पे, किसी और के बहकावे में आके, किसी और लोगों की बातों में आके। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब उनको उस गलती का पछतावा हो गया और उनको ये पता चल गया कि कौन उनका असली मददगार था और कौन उनको बहला फुसला के उनसे कोई अपना मकसद पूरा कर रहा था। तो ये तो सबको पता चल गया, बट खुशी की बात यह है कि माफ़ी उन्होंने मुझसे मांग ली है, उनको रियलाइजेशन हो गया इस चीज़ का कि गलती की थी उन्होंने मुझ पर आरोप लगा के। तो अब सबको सामने आ ही चुका है कि जो मामला है वो साफ़ हो चुका है। देखिए ये तो मुझे नहीं पता कौन था, क्या था, जो भी था, 4-5 लोग थे उनके साथ जो उनके पीछे थे, जो उनको सपोर्ट कर रहे थे और उनको ये बोल रहे थे कि आप, मैं को सच बताऊं तो मैं किसी को नहीं जानता हूं पर्सनली और ना मुझे जानना है किसी को, क्योंकि मुझे अपने कर्मों पर विश्वास है और मुझे इस पर विश्वास था कि जो मैंने किया वो सच्चे दिल से किया, किसी की सच्चे दिल से मदद की और इसका फल मुझे भगवान देगा। और सच्चाई कहते हैं ना कभी हारती नहीं है, सच्चाई जो है सामने देर से ज़रूर आती है लेकिन छुपती ज़्यादा दिनों तक नहीं है। तो क्या सच था और क्या झूठ वो सबको पता चल गया है जी। उन्होंने दो तीन बार मुझे फ़ोन भी किया था और उन्होंने मुझे ये भी बोला था कि हमें मुझसे गलती हो गई, बट मैं चाहता था कि वो ये सब चीज़ें पूरी जनता के सामने नेशनल टेलीविज़न पर बोलें, जो कि उन्होंने बोला। और बहुत अच्छी चीज़ है ये कि उन्हें रियलाइजेशन हो गया है अपनी गलती का। और मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा यही सिखाया है कि गलती करने से बड़ा गलती माफ़ करने वाला होता है। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि बाबा मेरे आदरणीय हैं और मैंने उन्हें माफ़ किया। हाँ तो वो कह रहे हैं कि आप मेरे पास आइए और हम और आप चल के मैं अपनी जो रिपोर्ट है वो वापस ले लूँगा थाने से, मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी है आगे। जो भी हुआ उसको मैं भूलना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी आगे बढ़ें और मैं भी आगे बढ़ूँ। अरे मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि वो 6-7 दिन तो हमने कैसे निकाले, मैंने मेरे घर परिवार वालों ने, बिल्कुल टूट सा गया था मैं और बहुत बहुत ज़्यादा मेरा दिल दुखा था। और बस एक चीज़ मैं यही सोचता था कि अगर किसी की मदद का ये सिला होता है तो कोई किसी की मदद क्यों करेगा। लेकिन फिर पता नहीं ना जाने वो कौन सी शक्ति थी जो मेरे जिसने मुझे पुश किया और ये बोला कि नहीं तुम आगे बढ़ते रहो और ये कार्य करते रहो। शायद और ऐसे बहुत सारे बाबा और अम्मा हैं या बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं जिनको तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तो बस उसी को ध्यान में रखते हुए, जहन में रखते हुए मैं आगे बढ़ता रहा और अपना काम करता रहा।